मेंबर था, पता नहीं टेक्निकली उसी को वो दिखा रहे हैं या क्या दिखा रहे हैं मैं जानता नहीं, लेकिन 12th 10 के बाद सन 2012 में यूजीसी ने एक अपनी 5 साल की नीति बनाई थी, आज भी उनकी वेबसाइट पे होगी, देखिए उस नीति में क्या लिखा है और ये क्या कर रहे हैं। उस नीति में, उस पॉलिसी में एक बहुत क्रूशियल चीज जो आइडेंटिफाई की गई थी वो ये थी कि इस देश में हायर एजुकेशन में स्टूडेंट फाइनेंशियल एड की बहुत सख्त कमी है, ये हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा फ्लॉ, बहुत बड़ी कमजोरी है कि विद्यार्थियों को बहुत चंद गिनी चुनी फेलोशिप्स के अलावा कुछ नहीं मिलता, और अफसोस की बात यह है कि अपने आप को पूंजीवादी कहने वाले देश जो अमेरिका वगैरह हैं, वहां पे स्टूडेंट को ज्यादा फेलोशिप मिलती है बजाय कि अपने आप को पता नहीं क्या कुछ कहने वाले इस देश के अंदर। तो ये 12th 10 में आइडेंटिफाई किया गया था यूजीसी की तरफ से ऑफिशियली कि ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है, अगले 5 साल में इस कमजोरी को हम दूर करेंगे। और चूंकि मैंने इस एजेंडा को पुश किया था तो जैसा होता है जो बोले से कुंडा खोले, तो मुझे कहा गया भाई आप कमेटी बनाओ, तुम बताओ इसे कैसे करना है। तो ये कमेटी बनी थी, प्रोफेसर हसनैन जो IIT में है वो भी उसके मेंबर थे और कई और साथी इसमें मेंबर बने थे, और उस कमेटी का एजेंडा ये था कि कैसे हम स्टूडेंट फाइनेंशियल सपोर्ट को कई गुना बढ़ाए। मैंने वहां कमेटी में यूजीसी में कहा था, जिसको स्वीकार किया गया था, कि इसको फेलोशिप को 10% बढ़ा देना, 20% बढ़ा देना, संख्या उसकी 100% बढ़ा देना ये मजाक है, इसको कई गुना बढ़ाने की जरूरत है, और इस बात को यूजीसी ने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया था, और उसी कंडीशन पे मैं इस कमेटी में आया था कि इसको हम कई गुना मल्टीफोल्ड बढ़ाने की इसे जरूरत है। तो उस कमेटी की तरफ से हमने 4-5 चीजों पर काम शुरू किया था। पहला तो ये कि ये जो नॉन नेट फेलोशिप है उसको पूरे देश की यूनिवर्सिटीज में लागू किया जाए। जैसा आप जानते हैं कि नॉन नेट फेलोशिप शुरू हुई थी जब, सबसे पहले सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आई थी, फिर 2012 या 13 में, 12 की बात है शायद, हमने इसको तब दबाव करके, और बाकायदा बहुत लंबा डिस्कशन हुआ था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में, जिसके बाद फैसला हुआ कि इसको अमाउंट 5,000 से 8,000 किया गया था और इसे कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज में लागू किया था, सब में नहीं किया था, कोई 10-12 स्टेट यूनिवर्सिटीज थी जिनकी ग्रेडेशन थी उसमें लागू किया गया था। और जो हमारी कमेटी, मेरी कमेटी बनी थी उस वक्त, उसका मैंडेट ये था कि इसको तमाम स्टेट यूनिवर्सिटीज पे कैसे अप्लाई किया जाए, सिर्फ इन 10 पे नहीं, बाकी जो 350 बच्ची है उन पर भी लागू किया जाए। नंबर एक ये एजेंडा। नंबर दो कि फेलोशिप हमारे यहाँ सारी की सारी लगभग सिर्फ एमफिल PhD में मिलती है, उससे पहले तो फेलोशिप नाम के लिए कुछ है ही नहीं। और हमने बार बार कहा कि वो बच्चा जो 12वीं क्लास करके किसी तरह से दिल्ली में आ गया, किसी तरह से इलाहाबाद पहुंच गया, कहीं भुवनेश्वर में जिसने एडमिशन ले लिया, वो इस 5 साल की सुरंग को कैसे पार करेगा उससे पहले कि उसको JRF SRF मिलना शुरू हो। तो ये था कि उसको BA और MA में एक सब्सटेंशियल फेलोशिप मिले, और रफली हमने अमाउंट भी सोच लिया था कि BA में उसे कम से कम 3,000 रुपये प्रति माह मिले और MA में 5,000 रुपये प्रति माह मिले, और ये कोई थोड़ी संख्या में नहीं, हमने सोचा था कम से कम 1-1 लाख फेलोशिप पर ईयर ये दी जाए, ये सब डिस्कशन हो चुके थे। तो आइडिया ये था कि इसका BA MA के अंदर भी एक बड़ा फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया। तीसरा ये था कि हमारी तमाम यूनिवर्सिटीज में जो विद्यार्थियों को काम करके कुछ पेमेंट मिल सके, क्या बोलते हैं इसे, वर्क फॉर रेक्सिन, अर्न वाइल यू वर्क, दैट्स राइट, अर्न वाइल यू वर्क, ये स्कीम नहीं है। पुणे यूनिवर्सिटी ने इसका प्रयोग किया था और बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ था, और हमने कहा था कि उस एक्सपेरिमेंट को एक्सेप्ट करते हुए, उस मॉडल को, पुणे के मॉडल को एक्सेप्ट करते हुए, पूरे देश की यूनिवर्सिटी के अंदर हम ये करें कि स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में काम कर लें, थोड़ा सा ऑफिस में काम कर लें, और इस तरह का हफ्ते में मैक्सिमम 10 घंटा काम करके उनको एटलीस्ट इतना मिल जाए, जिसके पास कोई फेलोशिप नहीं है, अगर वो 10 घंटे काम कर ले तो अपना मेस का बिल पे कर सके, इतना उसको पेमेंट जरूर हो जाए, इसकी एक स्कीम बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें वहां पे डिस्कस हुई थी, मिनटेड हुई थी, आप जरा याद दिलाइए, इसमें मिनट्स वगैरह भी निकाल दूंगा।
ये सब चीजें हुई थी। उसके बाद जैसा आपको पता होगा, हम कुछ लोगों ने वहां सरकार के उस वक्त की कांग्रेस सरकार का विरोध किया था कुछ चीजों में, तो मुझे निकाल दिया गया था यूजीसी से। कमेटी का ऐसा ही होता है, उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं। सो द नेक्स्ट थिंग आई हियर इज कि कमेटी की रिपोर्ट आई है और इस नॉन नेट स्कॉलरशिप को खत्म किया जा रहा है। आई मीन हाउ रिडिकुलस कैन इट गेट? द कमेटी विच वॉज मेंट टू एक्सपेंड द नंबर ऑफ फेलोशिप्स, expand the amount of fellowship, expand the range of financial aid programs, actually ends up curtailing it. Nothing can be more shameful than this. For what is called University Grants Commission, for them, instead of extending a grant to actually withdraw whatever exists, nothing can be further away from the objectives of this than what is there. और इसलिए मैं आपको सलाम करता हूं जब जब ऐसी चीजें होती हैं। और ऐसी चीजें कैसे हुई होंगी, क्योंकि मैंने 2-3 साल यहां पे हुए खेल को देखा है, मैं जानता हूं मिनिस्ट्री से एक फोन आया होगा, और वो भी मिनिस्टर का भी नहीं आया होगा। सच बात यह, मुझे कहते हुए बहुत अफसोस होता है, ये भी नहीं कि मिनिस्टर साहिबा का फोन आया हो, वहां के किसी ज्वाइंट सेक्रेटरी का फोन आया होगा, इससे ज्यादा भी नहीं। ये संस्था जो अपने आप को इस देश के सबसे बड़े एकेडमिक्स की संस्था बताती है, मैंने यूजीसी के अनुभव के बाद एक लेख लिखा था कि समय होता है आप पढ़ना, मैंने उसे कहा था गवर्नेंस बाय नॉड्स एंड विंक्स। ये सारी संस्था सिर्फ साहब के मूड हिलाने से या आंख मारने से, बस इतने से चल जाती है। साहब हल्का सा इशारा करते हैं, कमेटी की रिपोर्ट बन जाती है। ज्वाइंट सेक्रेटरी का फोन आ जाता है, कमेटी की रिपोर्ट बदल जाती है। इस सारी संस्थान के कार्यवाही कहते हुए मुझे बहुत शर्म आती है, क्योंकि मैं इसका सदस्य रहा और वहां सब चीजों को देखा, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, डिसेंट के नोट्स दिए, बार बार लिखा इस सब चीजों के खिलाफ। लेकिन हकीकत ये है, आप अंतर्राष्ट्रीय नीति की बात कर रहे हैं वो हो सकता है, लेकिन मैं जानता हूं व्यवहार में सिर्फ एक ज्वाइंट सेक्रेटरी का फोन आया होगा, जी वो ऐसा है कमेटी की रिपोर्ट बदल दो, ये रिपोर्ट बना दो, और ये रिपोर्ट बन गई। जहां ऐसी गवर्नेंस हो रही हो, जहां शिक्षा व्यवस्था विद्यार्थियों के स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट से उल्टी दिशा में जा रही हो, जहां शिक्षा व्यवस्था खुद अपने स्टेटेड ऑब्जेक्टिव से उल्टी दिशा में जा रही हो, जहां शिक्षा व्यवस्था इस देश के लाखों विद्यार्थी जो अपना भविष्य बनाने आ रहे हैं उनके खिलाफ जा रही हो, वहां संघर्ष ही एकमात्र रास्ता है, और वो संघर्ष की हिम्मत आपने की है। एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, और वो ये कि इस देश में आज एक पीढ़ी की इनइक्वालिटीज को दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का सबसे बड़ा अगर कोई चैनल है, वैसे इस देश की हर यूनिवर्सिटी अपने लोगों में कुछ सुंदर सी चीज लिख देती है, आमतौर पे संस्कृत में होता है कुछ तमसोमा ज्योतिर्गमय कुछ ऐसा लिख देते हैं, कुछ सुंदर सी चीज, तुम प्रकाश दे रहे हो, तुम ये दे रहे हो ज्ञान और ये सब। हकीकत और दरअसल कड़वी हकीकत ये है कि इस देश की हायर एजुकेशन न ज्ञान दे रही है, न प्रकाश दे रही है, न विचार बना रही है, वो सिर्फ इंटर जनरेशनल इनइक्वालिटीज को ट्रांसफर करने का मैकेनिज्म है। बड़े बाप का बेटा बड़ा बाप बड़ा बने और गरीब का बेटा गरीब बना रहे, इसको सुनिश्चित करने का सबसे पावरफुल मैकेनिज्म इस देश में कोई है तो ये यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन। और इसलिए इस देश को बचाने का, इस देश को बनाने का, इस देश को बदलने का जो संघर्ष होगा, उसका सबसे पहला टेरेन, उसकी सबसे पहली जमीन एजुकेशन। इस देश के भविष्य की राजनीति शिक्षा की राजनीति, सबसे सुंदर अर्थ है। हर बड़ी चीज में, हर बड़े सवाल पे राजनीति होनी चाहिए। आज सुबह में विद्यार्थियों से बात कर रहा था, कह रहे थे सर इसमें पॉलिटिक्स हो जाएगी। मैंने कहा भाई हर बड़े सवाल पे पॉलिटिक्स होनी चाहिए, पॉलिटिक्स जब तक नहीं होगी वो खतरनाक चीज है, पॉलिटिक्स का होना खतरनाक नहीं है, पॉलिटिक्स का ना होना खतरनाक है। इस देश को, भविष्य को बनाने, बचाने, बदलने का की राजनीति की सबसे महत्वपूर्ण जमीन एजुकेशन होगी।
आपने उस बहुत बड़ी लड़ाई की शुरुआत की है। मेरी तरफ से, स्वराज अभियान की तरफ से, हमारे सब साथियों की तरफ से और इस देश के उन तमाम विद्यार्थियों की तरफ से जो यहाँ मौजूद नहीं है, मैं आपके संघर्ष को अपना समर्थन देता हूँ। एक पुराने यूजीसी मेंबर के नाते मेरे बस में जो कुछ है, और आप कहेंगे वहां उसके दरवाजे पे जाके बैठना, खुशी खुशी आपके साथ बैठ जाऊंगा। अंदर बैठने से ज्यादा अच्छा काम होगा बाहर।